आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 से, क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ ए रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स। ऑफ टू एंगल यहाँ पे ध्यान देने, ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, दो एंगल बोल रहा है, वन पॉइंट इन कॉमन। दो एंगल बनाने हैं लेकिन उसमें कितना पॉइंट कॉमन है, वन पॉइंट इन कॉमन। अब देखो वन पॉइंट का मतलब क्या हो गया, हमें एक पॉइंट उसमें कॉमन आना, जैसे ए हो या बी हो इनमें से, या सी हो, कोई भी एक पॉइंट इसमें कॉमन हो। तो हम देखो दो एंगल बनाएंगे और बनाने में कितने एंगल है, टू एंगल्स बने। तो हम क्या करेंगे, ये और ये अगर दो एंगल देंगे यहाँ पे दो पॉइंट, हाँ ये, तो ये अगर मैं ओ लूँ, ये ए बी सी डी, और इसको क्या लूँ, ओ लूँ, तो ए ओ बी, एक ये कॉमन आ रहा है, ए ओ बी आ रहा और डी ओ सी कॉमन आ रहा है। आप चार भी बना सकते, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन हमें दो एंगल चाहिए। या आप क्या कर सकते हैं, एक एंगल ये बना सकते हैं ए ओ बी, और एक ये और ये सी डी, इसमें भी ओ कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, एक ए ओ बी आ रहा और एक सी ओ डी या डी ओ सी, इसमें भी ओ क्या आ रहा हमारा, कॉमन आ रहा, ठीक है, वन पॉइंट कॉमन, तो ओ क्या आ रहा, दोनों एंगल के लिए कॉमन आ रहा। ओके आ रहा कि नहीं आ रहा, हमें एक एंगल, दोनों एंगल के लिए एक पॉइंट क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो यहाँ ओ कॉमन है ए ओ बी के लिए भी और डी ओ सी के लिए, ठीक है, यहाँ भी होता है ए ओ बी डी ओ सी। ओके नेक्स्ट हमारा है टू पॉइंट इन कॉमन। अब दो पॉइंट कॉमन है, टू पॉइंट इन अ कॉमन, भाई दो एंगल चाहिए लेकिन कितने पॉइंट कॉमन चाहिए, टू कॉमन चाहिए। अब यहाँ पे हमारा क्या था, एक पॉइंट कॉमन आ रहा था, अब दो चाहिए। तो अब तो सिंपल है, ये एक तो ए, एक यहाँ पे ले लेंगे बी, ये ओ ये सी, देखो एक तो हो जाएगा ए ओ बी, एक पॉइंट तो ओ आ रहा, एक बी ओ सी, देखो एक क्या आ रहा, देखो एंगल ए ओ बी, भाई बी आ रहा कि नहीं आ रहा, ओ बी आ रहा, और दूसरा बी ओ सी, इट मीन बी कितनी बार आ रहा, दो बार आ रहा, तो दो पॉइंट कॉमन क्या हो गया, एक हो गया ओ और दूसरा एन बी, दो पॉइंट कॉमन आ रहे कि नहीं आ रहे, एक ए ओ बी आ रहा और बी दोबारा भी आ रहा बी ओ सी में, तो इसमें हमारे दो पॉइंट कॉमन हो गए। ओके फिर हमारा नेक्स्ट है थ्री पॉइंट इन कॉमन। अब यहाँ पे दो पॉइंट कॉमन थे, एक बी था एक सी था, अब थ्री पॉइंट, अब देखो यही हम कर रहे हैं, ये तो एक तो ए ओ बी और ये सी, एक तो हो गया ए ओ बी, ये हो गया एक बी ओ सी, लेकिन हमें दो ही एंगल चाहिए, तो हम इसमें एक और एंगल डाल देंगे, एक पॉइंट सी, भाई हमें दो पॉइंट कॉमन, तीन पॉइंट कॉमन चाहिए दो एंगल्स में, तो एक तो हो गया ओ, एक क्या हो गया ओ हो गया, दूसरा हो गया बी एंड तीसरा हमने डाल दिया सी, ये भी कॉमन हो गया। ओके अब है फोर पॉइंट इन द कॉमन। अब फोर लेकिन एंगल मुझे दो ही चाहिए, हम एंगल नहीं बढ़ा सकते, तो ए ए ओ सॉरी ओ बी सी, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सी मैंने दो बार डाल दी, ये डी डालना आप, तो ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ओ बी और सी नहीं, ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ओके तो आप यहाँ पे एक डी डाल सकते हो, ए ई डाल सकते हो यहाँ, तो आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे कॉमन, ओ बी डी एंड ई। ओके वन रे इन कॉमन, वन रे तो कॉमन हो सकती, देखो ये रे है, दो एंगल बनाने, दो एंगल, एक एंगल ये है हमारा ए ओ बी, एक है और ये रे है हमारी रे, तो आप यहाँ पे बी दे सकते, तो रे ही है। ओके तो ये आराम से हो सकता है, ए ओ बी, ए ओ सी कर दो, ये रे को बीच में कर दो। ओके okay.